जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी टॉप लेवल की वीडियो जिसमें सुपर फास्ट तरीके से हम 101 प्रमुख जो सिद्धांत बनते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में हर ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है एकमात्र वीडियो के अंतर्गत हमने समाहित कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी जोश के साथ कंसंट्रेशन बना लेना। हर शेर हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 101 क्वेश्चन, 101 पॉइंट बना लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त साबित होंगे। देखिएगा, मनोविज्ञान के जनक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर विलियम जेम्स, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। तो पहला और दूसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स। अगर विलियम जेम्स नहीं है तो आप अरस्तु को यहां पर लॉक करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो भी दोस्तों किसके साथ जाएंगे? विलियम जेम्स के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो यहां पर देखिएगा अगर मैं बात करता हूं प्रकार्यवाद और आत्म संप्रदाय की अवधारणा, तो यहां पर भी दोनों हमारे ऑप्शंस जाएंगे विलियम जेम्स के साथ। क्या है कि विलियम जेम्स प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं और आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक भी विलियम जेम्स हैं। तो हमने क्या देखा कि चारों क्वेश्चन को हमने विलियम जेम्स में समाहित किया है। ये चार पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात आ जाए, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान आप जेम्स और अरस्तु में लॉक करेंगे, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम थॉर्नडाइक महोदय को लॉक करेंगे। थॉर्नडाइक से जब हम आगे की बात करते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और प्रयास एवं त्रुटि है ना, वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें बच्चे प्रयास के साथ साथ त्रुटियां करते हैं, और यह सिद्धांत मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक वहां पर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत किसने दिया है, वो भी थॉर्नडाइक के अंतर्गत ही जाएगा। अच्छा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का है, लेकिन अगर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आ जाए तो क्या मारेंगे आप? तो भी आप थॉर्नडाइक ही मारेंगे। समझिएगा, सारे पॉइंट एक साथ में क्लियर करिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एक ही चीजें हैं। नाम परिवर्तन से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जब हम प्रयास करेंगे तभी तो प्रयत्न, यानी प्रयत्न प्रयास एक ही बात है, और भूल की बात की जाए तो त्रुटि और भूल एक ही बात है। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। जब मैं थॉर्नडाइक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताए थे कि थॉर्नडाइक के उपनाम कौन से हैं, स्किनर सिद्धांत के कौन कौन से उपनाम हैं, पावलोव के कौन कौन से उपनाम हैं, ठीक है। इसके आगे की अगर हम कड़ी में बात करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस, क्या होता है? स्टिमुलस। और अनुक्रिया का मतलब होता है रेस्पॉन्स, यानी आर। तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसी को अगर मैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को हम ऐसे लिख दें तो क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, यहां पर वो भी हमारा आंसर थॉर्नडाइक के ही साथ जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन को बदलने का प्रारूप एक एग्जामिनर के अंदर बहुत जबरदस्त काम देखा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन को तोड़ने का प्रारूप आपके अंदर देखा जाना चाहिए। तो इसलिए उद्दीपन अनुक्रिया और एसआर थ्योरी एक ही चीजें हैं। उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब रेस्पॉन्स, इसलिए एसआर थ्योरी को थॉर्नडाइक के साथ लॉक करेंगे। आगे अगर हम थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो संयोजनवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा। देखिए बहुत सारे सिद्धांत आपको पता होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको एक कठिन लेवल की हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 101 अगर सिद्धांत पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का संयोजनवाद बंद सिद्धांत, त्रुटि सिद्धांत, ये मिस्टर थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। संयोजनवाद और संबंधवाद को एक साथ में याद कर लो, सा और सा से हैं, ये भी किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। जब कोई भी अनुक्रिया करता अपने भोजन या अपने लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए कार्य करता है, वर्क करता है, तो उसमें एक रिलेशन, अटूट रिलेशन बन जाता है, तो कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम बात करेंगे तो देखिए कितने क्वेश्चन
थॉर्नडाइक से बनते हैं कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है। तो जब हम प्रशिक्षण अंतरण की बात करेंगे दोस्तों, तो वो भी हम थॉर्नडाइक की बात करेंगे। और ये 101 क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा नहीं, 15 से 17 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और इस बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा गया, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, जितने भी मैंने नाम लिए जल्दी जल्दी उन सभी को लिख लीजिएगा। बहुखंड सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। और इन्होंने कहा है कि भाई बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बल्कि बुद्धि बहुत से प्रकार की पाई जाती है प्रत्येक व्यक्ति में। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो 15 नंबर फैक्ट में देखिएगा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। नाम से ही पता चल रहा होगा, बिने साइमन, बोले तो आंसर बिने साइमन। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, जरूरी यह है कि आप एग्जाम को क्रैक करें बेहतरीन तरीके से। सब्सक्रिप्शन नहीं दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए, और अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अगर पूछे तो बिने हैं, और अगर बुद्धि परीक्षण में बिने और साइमन दोनों ऑप्शन में आए तब भी आप बिने ही मारेंगे। ये बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, कोई भी राइटिंग नहीं बनानी है, समय आपके पास बहुत कम है, पॉइंट फैक्ट एकदम से एक्यूरेट लिखने चाहिए। अगला, थोड़े से बुद्धि पर हम आते हैं। तो बुद्धि की जब हमने बात करी है तो बुद्धि से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर मिस्टर विनय। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर बोले कि भैया एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ही तरीके की बुद्धि होती है, ये विनय कहते हैं। थोड़ा समय अगर बीतता है तो हम कहते हैं कि भैया एक खंड की नहीं बल्कि दो खंड की बुद्धि का सिद्धांत जो है, दो तरीके की बुद्धि पाई जाती है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन थोड़े दिन बाद ये कहते हैं, अपनी बात से ही थोड़े से पलट जाते हैं और कहते हैं, एक संशोधन करते हैं और कहते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीन खंड पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि तीन खंड वाले सिद्धांत को या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो मिस्टर स्पीयरमैन ने दिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 20, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जब क्वेश्चन में एक खंड की बात करें तो बिने, द्विखंड स्पीयरमैन, त्रिखंड स्पीयरमैन, और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत की बात करें तो भी आप स्पीयरमैन ही मारेंगे। ठीक है, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बुद्धि का द्वि तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, तो वहां पर आप द्वय शक्ति अगर आ जाए तो भी आप परेशान ना हो। द्वय शक्ति भी आपका किसका है? मिस्टर स्पीयरमैन का ही है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो जब समय बदला और समय बीतने के बाद हमारा एक सिद्धांत आया, त्रियामी सिद्धांत, बोले तो त्रिविमीय सिद्धांत, इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है या त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तीन आयामों वाला सिद्धांत दिया है मिस्टर गिलफोर्ड ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है मिस्टर गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो मिस्टर थोस्टन ने दिया है। याद रखिएगा, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, यह सभी सिद्धांत आपको याद रखने हैं। 23 नंबर इंपॉर्टेंट और 24 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। थोस्टन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 25 और 26 थोड़े से आपको कठिन लगेंगे और आगे आपको कठिन कठिन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको 101 क्वेश्चन लिख लेने हैं और हमेशा के लिए इस कठिनाई को दूर कर लेना है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, जब युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि आता है तो यह भी एक बुद्धि से संबंधित है और इसको भी दिया है मिस्टर थॉस्टन ने। थॉस्टन में एक और सिद्धांत आता है कि क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक किसने किया है, प्रतिपादन किसने किया है, तो यह भी थॉस्टन ने किया है। इसको 25 और 26 और 24 नंबर को, तीनों को थॉस्टन के साथ लगाइएगा। और एक और थॉस्टन आएगा, फिर इसके बाद आपको परेशान थॉस्टन साहब नहीं करेंगे। समदृष्टि अंतर विधि के, जब भी अंतराल की बात करें, जब भी अंतराल की बात करें, तुलनात्मक की बात करें, और दोस्तों समूह खंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कतई छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पर समदृष्टि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया है, वो भी किया है थॉस्टन ने किया है। थॉस्टन के साथ ही जो रहे हैं, सहपाठी रहे हैं मिस्टर चैब, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। 28 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ट्रेंड भी हुआ है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श, जिसको वर्ग घटक भी कहते हैं, तो न्यायदर्श या प्रतिदर्श ही आता है एग्जाम में, वर्ग घटक नहीं पूछा जाता है। तो यह किसने दिया है? मिस्टर थॉमसन ने दिया है, यह भी आपको याद रखना है।
पदानुक्रमित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 29-30 तो कतई छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 29-30 हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है और हमेशा लेवल आपका इस क्वेश्चन को देखा जाता है एग्जाम में कि पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, तो मिस्टर वर्नर ने दिया है और साथ ही इनके रहे हैं वर्ल्ट, ठीक है ना। तो वर्ल्ट एवं वर्नर ने पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, आरवी कैटल, जो सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन माना जाता है बुद्धि चैप्टर का। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर आरवी कैटल ने, ठीक है ना। चलिए अगला, कैटल साहब से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिकारक बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो भी मिस्टर आरवी कैटल हैं। और 32 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि व्यवहारवाद के जनक कौन है या व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर वॉटसन ने दिया। और इन्होंने कहा है कि भाई जो विज्ञान है मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान है, साथ में ये भी कहा है कि भाई मुझे एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे चोर वकील सिपाही कुछ भी बना सकता हूं, ये मेरे ऊपर है, ये भी वॉटसन ने कहा है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, मिस्टर वॉटसन। बुद्धि इकाई का जनक किसने दिया है, तो यार याद रखो कि बुद्धि इकाई का जनक दिया है स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसने दिया है, मिस्टर स्टर्न ने दिया है। अब स्टर्न की जब बात हुई है तो दो क्वेश्चन से लेकर हम देखते हैं कि स्टर्न से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कि बुद्धि इकाई का जनक स्टर्न ने दिया है, अगर जॉनसन है, वैसे आएगा नहीं जॉनसन, स्टर्न ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बुद्धि लब्धि की अगर मैं बात करता हूं तो बुद्धि लब्धि का मतलब है आईक्यू, आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे जो है आपके वास्तविक आयु की बात करता है, ठीक है ना। और मैं ये कह सकता हूं दोस्तों इसका सूत्र प्रतिपादक किसने किया, विलियम स्टर्न ने किया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट साहब है, ये भी आपको याद रखना है। विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को खोजा था, और याद रखिएगा जर्मनी के लिप्सिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। कोई बच्चा इसको भूलेगा नहीं क्योंकि आप ब्रिलियंट बच्चे हो। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्योंकि प्रयोगशाला से संबंधित है तो विलियम वुंट ही रहेंगे। पर याद रखिएगा 37 नंबर की विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं मिस्टर जीन पियाजे। कौन है, मिस्टर जीन पियाजे हैं। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के भी जनक कौन है, मिस्टर जीन पियाजे। जीन पियाजे एक ऐसा नाम है जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग के लिए इन्होंने चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक है संवेदी गामक 0 से 2, एक है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 14 या ऊपर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मैकडूगल साहब की बात आती है तो मैकडूगल से कितने क्वेश्चन है समझ लीजिएगा। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है, तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक है विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत दिया है मनोविज्ञान में, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक और लिख लीजिएगा कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, आउटलाइन साइकोलॉजी जो है किसकी पुस्तक है, तो यह भी विलियम मैकडूगल की है, जिसमें सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल साहब, हार्मिक का सिद्धांत मैकडूगल साहब। बात करेंगे अगले 41 पॉइंट पर। 41 नंबर फैक्ट कहता है कि मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसने कहा है, तो मिस्टर पैंपलॉजी। पैंपलॉजी ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शताब्दियों के अंतर्गत जो चेंजेबल टाइम था उसमें ये कहा गया कि एक समय आया जिसमें आत्मा का मनोविज्ञान के बाद अगर देखा जाए तो बहुत चेंजमेंट हुआ, और जिसमें अगर देखा जाए व्यवहार का मनोविज्ञान जाना जाता है इस समय, लेकिन मन और मस्तिष्क का विज्ञान पैंपलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर स्किनर ने दिया है, और चूहे पर प्रयोग के लिए ये जाने जाते हैं। स्किनर का यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित था, ठीक है। चलिएगा 43 नंबर, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, सक्रिय अनुबंधन, जिसमें अनुबंधन का मतलब होता है कि जब दो चीजों में एक बॉन्ड स्थापित होता है तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं, और उस सिद्धांत को दिया है मिस्टर स्किनर ने। फटाफट नोट करिएगा। 44 नंबर देखिए दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, मनोविज्ञान में एक ऐसा पार्ट जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मिस्टर इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। और यह है पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, रशियन मनोवैज्ञानिक के साथ साथ 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकमात्र मनोविज्ञान में एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको नोबेल मिला है वो मिस्टर पावलोव हैं। याद रखिएगा ना थॉर्नडाइक को, ना तो स्किनर को, ना ही किसी भी ऐसे बंदे को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो केवल मिला है तो सिर्फ मिला है 1904 में कुत्ते के प्रयोग, कुत्ते की लार की ग्रंथियों पर प्रयोग के लिए नोबेल मिला है। अगला,
संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जब पावलाव की बात हो ही रही है तो नोट कर लीजिए पावलाव से संबंधित फैक्ट कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर इवान पेट्रोविच पावलाव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो मिस्टर इवान पेट्रोविच पावलाव, जो एक लार ग्रंथी के लिए जाने जाते हैं। पावलाव से एक और क्वेश्चन बनेगा 47 नंबर, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है। प्रतिस्थापक, मनोविज्ञान में प्रतिस्थापकता का सिद्धांत जो दिया है वो भी मिस्टर पावलाव ने दिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा आप याद कर लीजिएगा, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापकता का सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर पावलाव ने। प्रबलन पुनर्वलन, ध्यान दीजिएगा, प्रबलन को हम पुनर्वलन कहते हैं, और पुनर्वलन को मैंने आपको बताया था याद करने की ट्रिक जब मैं आपको डीपली में पढ़ा रहा था चीज़ों को, फैक्ट के साथ, पूरी सिद्धत के साथ जब पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको फिगर से पढ़ाया था कि भाई हल अगर चलाओगे तो बल लगेगा, हल अगर चलाओगे तो बल लगेगा, तो बल दोनों में आ रहा है, तो आपको याद कर लेना है कि भाई प्रबलन और पुनर्वलन का प्रयोग तो स्किनर ने किया है, लेकिन जनक कौन है, जनक है मिस्टर सीएल हल या क्लार्क हल। क्लार्क हल की अगर बात हुई है तो दो क्वेश्चन और समझिएगा कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल। क्लार्क हल ने व्यवस्थित मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है, और सबलीकरण इसमें भी बल आ रहा है। देखिए, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सभी अगर बल वाले हैं तो वो हमेशा सीएल हल के साथ जाएंगे। सीएल हल से यहीं से क्वेश्चन नहीं रुकते हैं, सीएल हल से क्वेश्चन जब आते हैं तो आके रह जाते हैं। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि मनोविज्ञान में संपोषकवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो सीएल हल ने दिया है। मनोविज्ञान में चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है, ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो चालक का सिद्धांत या चालकता का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत या प्रणोद का सिद्धांत, तो कुछ भी आंसर नहीं बदलेगा, मिस्टर क्लार्क हल रहेंगे। बात करेंगे गेस्टाल्टवादियों से जो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सारा मनोविज्ञान आज इस वीडियो में निचोड़ में मिलेगा सुपरफास्ट में, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई भी झंझट नहीं, कोई तमाशा नहीं। समझिएगा कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों याद रखिए अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है मिस्टर कोहलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, मिस्टर कोहलर, वर्दिमर और कोफ्फा ने, ठीक है ना। और सूझ का सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को कहते हैं, इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको गेस्टाल्टवाद का माना जाता है, और 1912 में गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन हुआ था, ये हम उदय मानते हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक वही रहेंगे, कोहलर, वर्दिमर, कोफ्फा रहेंगे, और क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, गेस्टाल्टवाद के ही अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है मिस्टर कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने, मनोविज्ञान एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, तलरूप का सिद्धांत, मनोविज्ञान में तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है, किताबों में नहीं मिलता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, लेविन ने दिया है। और समूह गतिशीलता का सिद्धांत जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, कुर्ट लेविन ने दिया है, और कुर्ट लेविन है किससे संबंधित, गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। यह क्वेश्चन 59 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 नंबर कह रहा है समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए, संबंधवाद का सिद्धांत मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन समीप्य और संबंधवाद दोनों साथ में आते हैं, तो मिस्टर गुथरी ने दिया ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गुथरी से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है अधिगम के संबंधित प्रयोग के आधार पर नहीं माने जाते, तो वहां पर भी गुथरी है, गुथरी ने कोई भी पशु पक्षी पर प्रयोग नहीं किया है, ठीक है ना। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है मनोविज्ञान में, तो मिस्टर टॉलमैन ने दिया है। संभावनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मिस्टर टॉलमैन है, दो टॉलमैन से क्वेश्चन आएंगे। 62 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसुवेल से क्वेश्चन आता ही आता है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान एक मनोविज्ञान का एक ऐसा सिस्टमैटिक जो है एक लाइन है, जिसमें जो है काफी इन्होंने स्टडी करी, और वो है मिस्टर आसुवेल। अगला पॉइंट है संबंधवाद का सिद्धांत, ये संबंधवाद का सिद्धांत थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पर करिएगा क्या, संज्ञानवाद। संबंधवाद का सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने, लेकिन यहां संज्ञानवाद करिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया, मिस्टर पियाजे ने दिया है, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, शायद लिखा चुका हूं ऊपर, वॉटसन ने दिया है। अधिगम या व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, देखिए अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मिस्टर क्लार्क है, सीएल हल है, लेकिन व्यवहारवाद के जनक पूछा जाए तो वहां पर क्लार्क, जब अधिगम या व्यवहार की बात करें तो वहां पर क्लार्क रहेंगे, जब व्यवहारवाद के जनक तो मिस्टर क्या रहेंगे, वॉटसन रहेंगे, ठीक है ना, वॉटसन याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हर बार एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है, इस बार भी एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है, बीएस ब्लूम से क्वेश्चन आ रहा है, और बेंडुरा से क्वेश्चन आ रहा है, बाइगोस्की से क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पर आपको बेंडुरा मारना है।
पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो आपके किशोरावस्था एडोलसेंस पर पुस्तक लिखी है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था बताई है, वो मिस्टर स्टेनले हॉल है, तो जीएस स्टेनले हॉल इनका पूरा नाम है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने दिया है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? मिस्टर एम गैने। बहुत बार क्वेश्चन एम गैने से क्वेश्चन आता है और बच्चे गैने साहब को पढ़ते ही नहीं है। तो अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो मिस्टर गैने है, जिनका नाम है एम गैने। ठीक है ना, तो याद आपको रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 67 और 68, बहुत जबरदस्त। अगला, विकास के सामाजिक प्रतिपादक, सामाजिक का मतलब है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, और मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया है मिस्टर एरिक्सन ने दिया है। यह बात आपको हर बच्चे को जाननी चाहिए, मिस्टर एरिक्सन हर बार पूछा जा रहा है, इसको मैं BIMP में लिखूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर जॉन ड्यूवी ने दिया है। क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है जॉन ड्यूवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसने दिया है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे जो है माना जाता है? तो वो जो है माना जाता है एविंग हॉस को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम लिखा है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है ना। मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक, ये सभी अलग हैं। अधिगम व्यवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? मिस्टर जेरोम ब्रूनर है। अगला पॉइंट 73, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर जेरोम ब्रूनर, ये आपको याद रखना है। और अधिगम व्यवस्थाओं के लिए जेरोम ब्रूनर, सामान्यीकरण सिद्धांत किसने दिया है? CHZ IMP पॉइंट है, ये IMP पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिएगा। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, 101 क्वेश्चन आपको लिखने ही लिखने हैं किसी भी तरीके से, और एग्जाम फैक्ट की तरीके से आपको, अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं रिवीजन कर लो, तुरंत लिखना है, आगे काम आएंगे। कल एग्जाम है, तुरंत रिवीजन करो, फिर भी लिखो, एक घंटे बाद एग्जाम है तब भी लिखो आप, ठीक है, याद रख लीजिएगा, डाउनलोड कर लो। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक है मिस्टर वॉल्फ है। बहुत बार पूछा गया है, जब पहले एग्जाम होते थे 2011 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, तो वॉल्फ बहुत आए एग्जाम में। अधिगम अंतरण का, मूल्यों का, अविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो वहां पर मिस्टर वॉगले ने दिया है, ये वॉगले है, ठीक है ना। अगला, भाषा विकास का सिद्धांत, किसी से छुपा नहीं है कि भाषा विकास का सिद्धांत, बच्चे को क्लासरूम में किस तरीके से लैंग्वेज सिखाना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है, तो मिस्टर चॉम्स्की की बात हमेशा याद आएगी। तो चॉम्स्की, जो जितने भी अभी एग्जाम हुए शिफ्ट में, हर शिफ्ट में पूछा गया चॉम्स्की। मांग पूर्ति की बात की जाए, तो मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम या ट्रायंगल का सिद्धांत, ठीक है ना, तो ये सिद्धांत मैस्लो का है, और मैस्लो से अगर क्वेश्चन ना आए, जिनको मास्लो भी कहा जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता। मास्लो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 77 और 78 जिसने अगर छोड़ दिए, तो उसका मनोविज्ञान पढ़ना बेकार है। स्व यथार्थीकरण, उसी ट्रायंगल सिद्धांत को, उसी मांग के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, और उसको भी मैस्लो ने दिया। इसी स्व यथार्थीकरण सिद्धांत को आत्मज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है। इसी आत्मज्ञान सिद्धांत को ट्रायंगल का सिद्धांत कहा जाता है, कि किस तरीके से मांग होती है, किस तरीके से व्यक्ति को सबसे पहले जीने के लिए मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, और फिर लक्ष्य चाहिए। तो ये चीजें मैस्लो ने बताई हैं। 20 क्वेश्चन, लास्ट के 20 पॉइंट आपको फैक्ट में देखने हैं बहुत ध्यान से, कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, समय बहुत कम लिया है, 23 मिनट हुए हैं मात्र, 25 मिनट से 26 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मिस्टर डेविड सी मैकलियन ने दिया है। तो डेविड सी, आपको याद रखना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत इतना एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया मिस्टर कॉफमैन, कॉफमैन ही पूछे जाते हैं, और बॉल्स इनके साथ ही है। सील गुड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 83 से लेकर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 83 से लेकर 101 तक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, और यहां से क्वेश्चन एक बनेगा। 15 क्वेश्चन देख लो ध्यान से, एक बन जाएगा। सील गुड के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? मिस्टर ऑलपॉट महोदय को माना जाता है। व्यक्तित्व मापन की बात की जाए, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मांग का सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मुर्रे ने दिया है। और हेनरी मुर्रे आप जानते हो ना, TAT के लिए जाने जाते हैं। क्या? TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, अभी मैं बताऊंगा 86 में। तो इसी मुर्रे साहब को आपको तीन पॉइंट में याद रखना है, एक तो व्यक्तित्व मापन के लिए मुर्रे साहब, एक कथानक। देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, 83 से सभी इंपॉर्टेंट है 101 तक। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुर्रे, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को TAT कहते हैं, TAT का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुर्रे, ठीक है। अगला, बाल अंतर्बोध परीक्षण कौन है? बोले तो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड का मतलब सी,
अपरसेप्शन ए, टी का मतलब है टेस्ट। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बैलक। कैसे याद करोगे? बाल का मतलब बैलक है ना, बाल बैलक, बालक बालक बालक, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए यहां पर टीएटी को कैसे याद करोगे, टीएटी आपका पेपर है टेट का और आपका तुरंत एडमिट कार्ड आ गया और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपने कहा एकदम से मर गए, मुर्रे मर गए, है ना, मर गए भैया। तो टीएटी टेट आपको याद कर लेना है, सीएटी चाइल्ड यानी बालक तो बैलक याद कर लेना है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईवीटी इंक ब्लॉक टेस्ट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं, जिसके प्रतिपादक है हरमन रोरसा, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। 89 नंबर, वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पॉइन एंड टेंडलर। कैसे याद करोगे? पॉइन, पॉइन को पेन कह सकते हो, तो सेंटेंस को वाक्य को कैसे पूरा करोगे? पेन से करोगे, है ना, ये याद हो गया। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस्टर हॉडसन है। व्यवहार विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस्टर हॉडसन एंड मे जो है इनके साथी है। अगला है 91, किंडरगार्टन जिसको बालो उद्यान विधि कहा जाता है उसके प्रतिपादक कौन है? मिस्टर फ्रॉवेल है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस्टर फ्रॉवेल है। और अगर मैं बात करूं मनोविश्लेषण बाद के जनक कौन है, तो मिस्टर सिगमंड फ्रायड साहब हैं। दोस्तों सिगमंड फ्रायड साहब मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक हैं, इसके साथ ही साथ इड के जनक हैं, इसके साथ ही साथ ईगो के जनक हैं, सुपर ईगो के जनक हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है मिस्टर सिगमंड फ्रायड हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक है, ये याद रखना है। 96, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स किलपैट्रिक हैं, आईएमपी है, 96 की बात कर रहा है, जबरदस्त पॉइंट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलन पाकहर्स्ट। मिस हेलन पाकहर्स्ट आपको याद रखना है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलन पाकहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी, आप फ्रावेल और मॉन्टेसरी को कतई नहीं भूल सकते, और डाल्टन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 99 भूल गया है हमारा टाइपराइटर, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और 100 देखिएगा क्या कह रहा है। 99 आपको मैं याद करा देता हूँ, 99 मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, क्या, हाँ लिखवा देता हूँ, खोज विधि के जनक लिखिएगा। खोज विधि के जनक कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग है, लिख लीजिएगा फटाफट। और खोज विधि का नाम क्या है इसको नोट कर लीजिएगा, खोज विधि से ऐसे भी पूछ सकता है, खोज विधि का नाम है अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि है। खोज विधि का नाम है ह्यूरिस्टिक विधि है, ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक विधि है। और इन सभी के जो जनक होंगे वो कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डेक्रॉली विधि के जनक कौन है? डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ओविड डेक्रॉली है, डेक्रॉली तो डेक्रॉली, ठीक है ना। और विनेटिका विधि के कौन है? कार्लटन वॉसबर्न है। तो दोस्तों याद रखो ये 101 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए तो जबरदस्त साबित होंगे, लेकिन इनसे अगर बाहर आपने अगर कोई जनक याद किया तो कोई जरूरी नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये 101 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो मुझे ये लगता है कि 101 क्वेश्चन लगता ही नहीं है, 100% कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा जनक है ही नहीं मनोविज्ञान में। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर दूं, फिनिश कर दूं, बात खत्म। आपको क्या करना है कि ईमानदारी से अगर आपने जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं पढ़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि 5 अच्छे मित्रों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों को, अपने मित्रों को, सबको शेयर कर दें और 5 दोस्तों को जोड़ लें। जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब कराएं, बस बच्चों से इतना कहें कि एग्जाम के लिए सिलेक्शन मेरा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक पैसा ना किसी बच्चे से आज तक लिया है ना ही लूंगा दोस्तों, और सांसें होंगी तो आपके लिए होंगी, भले ही कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़े, सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो GURUJI WORLD गुरुजी वर्ल्ड को सर्च करिएगा, तो वहां पर क्या है, यह एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बच्चों को हम जोड़ते हैं और तुरंत नोटिफिकेशन वहां पर मिलता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ PDFs आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो जिससे बच्चे कहीं ना कहीं, लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हर बहन हर भाई हर गृहिणी का एक ही पॉइंट है, एक ही एक मुद्दा है,
एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन इस बार सर जी कैसे भी कैसे हो जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि एक वीडियो में हर चैप्टर को हर सब्जेक्ट को एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश रहेगी। और आप बेफिक्र रहिएगा, उम्मीद बनाए रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हो रहा है तो उस चीज़ को पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी भरोसे पर चलती है, विश्वास पर चलती है, और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हैं, आसान बनाई जाती हैं। जब कोई मॉक टेस्ट आप हल करते हैं या करती हैं तो अगर आसान लग रहा होता है तो उसका मतलब है कि आपने बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई की है, तभी वो आसान है। नहीं तो उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता तो आप कैसे कर लेते भाई, सिंपल सी बात। और यही आसान मुझे बनाना है सबको। आप बहुत ब्रिलियंट है, आप हर बच्ची ब्रिलियंट है, हर भाई मेरा ब्रिलियंट है, हर ग्रेडी ब्रिलियंट है, और उम्मीदों पर सिलेक्शन होना संभव नहीं है, 100% हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम।